अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मतगणना स्थल राजकीय इंटर कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जनपद की समस्त विधानसभाओं की मतगणना अलग अलग कक्षों में की जाएगी। इसके अलावा मतगणना के दिवस पर किसी भी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। गणना प्रस्तावित है उसके दृष्टिगत सभी तैयारियां हमारी संपूर्ण हो गई हैं और उसके साथ साथ में मतगणना स्थल पर 6 विधानसभा काउंटिंग सुनिश्चित किया जाएगा। इस बार काउंटिंग में ईवीएम काउंटिंग रूम हमने तैयार कर लिया है, साथ में पोस्टल बैलेट काउंटिंग रूम हमने तैयार किया है। सभी कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित हो गई है। कार्मिकों का विधानसभा वार जो रेंडमाइजेशन होती है वो 9 तारीख को प्रस्तावित किया गया है और टेबल वार जो आवंटन होता है विधानसभा के अंदर वो उसके लिए 10 तारीख सुबह प्रातः जो है उसको रेंडमाइजेशन को रखा गया है। साथ में जो हमारे जनपद में जो काउंटिंग के जो ऑब्जर्वर्स होंगे उसमें से अभी एक ऑब्जर्वर महोदय ने अभी जनपद में आगमन किया है और बाकी 4 का आगमन आज शाम तक होने की संभावना है। खबर हरिद्वार से है जहां पर स्मैक समिति ने भारतीय संस्कृति की एक झलक दिखाई है। वो महिला टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। वहीं नारी सशक्तिकरण को लेकर सिडकुल में स्थित एक होटल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन सिडकुल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण सारस्वत ने किया। वही कार्यक्रम में महिलाओं ने विभिन्न राज्यों की परंपरागत वेशभूषा में नृत्य संगीत कर समा बांधा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमने भारतीय संस्कृति को दिखाकर हमने महिलाओं को एक आत्मनिर्भर बनाने के भी कार्य किया है और आज हमने उसी को लेके ये कार्यक्रम किया है जिसमें हाथ अलग अलग जगह की पूरे भारत की जो अलग अलग स्टेट हैं उनकी संस्कृति को लेके और जो महिलाओं द्वारा बनाए गए पेंटिंग हैं, केक हैं, चॉकलेट्स हैं और जो सामान है उसकी एग्जीबिशन भी लगाई है तो उसी को लेके हमारा ये कार्यक्रम रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हर साल दुनिया भर में 8 मार्च को महिला दिवस एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं आज विकास नगर के डाक पत्थर डिग्री कॉलेज में भी महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। महिला दिवस के सुअवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर जी आर सेमवाल समेत महाविद्यालय की कई छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। इस उपलक्ष्य में महाविद्यालय में कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन के माध्यम से महिला दिवस पर महिलाओं के अधिकारों पर प्रकाश डाला गया। अच्छी तो नहीं कह सकते हैं लेकिन काफी हद तक हम लोग अपनी स्थिति को बेहतर कर रहे हैं। जिस प्रकार से गांव में शहर की हम बात करें शहर में फिर भी जागरूकता है लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें वहां अभी जागरूकता की काफी आवश्यकता है। शिक्षा का अधिकार गांव-गांव तक पहुंचना अति आवश्यक है। अगर हम कभी गांव में जागरूकता कार्यक्रमों के लिए जाते हैं तो वहां अभी भी हम छोटी छोटी लड़कियों को खेत में जंगलों में वहीं देखते हैं और फिर हमें लगता है कि शिक्षा का अधिकार गांव तक पहुंचा ही नहीं है जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है। आज तो मुझे लगता है कि हर आदमी के पीछे कामयाब आदमी के पीछे औरतों का हाथ होता है। आज ऐसा होना चाहिए कि हर कामयाब औरत के पीछे हर आदमी रहे, हर पति। अगर उनको मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आती हूँ, बहुत ही रूढ़िवादी फैमिली जहाँ पल्लू और साड़ी और ये सब, तो लेकिन हमने उसके बावजूद भी अपने आप को नहीं रोका। हमने पढ़ा और वकालत की। आज मैं सिविल कोर्ट विकास नगर में प्रैक्टिस करती हूँ, सिविल में भी क्रिमिनल में भी और मोस्टली मैं रेवेन्यू। और अभी मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि मैं अभी नोटरी मैजिस्ट्रेट बनी हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आपका रूढ़ी या आपके कुछ ऐसे कि आपको कोई रोक सकता है। कलियर के गांव मेवाड़ कला में 7 दिवसीय शिविर का समापन हुआ। बता दें कि जीवन ज्योति कल स्कूल में चल रहे शिविर का स्वयं सेवियों की तरफ से समापन किया गया जिसमें छात्र छात्राओं ने संदेश कार्यक्रम प्रस्तुत किया और कार्यक्रम के दौरान बेटियों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भी एक प्रस्तुति दी। इसके बाद मौके पर मौजूद प्रबंधक ने छात्र छात्राओं को गिफ्ट भी दिया। हर तरह से जो इन्होंने जागरूक समाज को किया है इन नौजवान बच्चों ने, भैया बहनों ने, बहुत ही अच्छा संदेश एक प्रेरणादायक गांव-गांव में इन्होंने किया है। इनको सभी को शुभकामनाएं देने के लिए, इन्हीं को शुभकामनाएं बधाई देने के लिए हम इसमें आए हैं।
हमारे साथ में हमारे आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य जी श्रीमान आनंद अपने अमरदीप जी भी साथ में हैं। हम लोग साथ में हमारी बहन नेगी जी जो कल्याण की अध्यक्ष थाना अध्यक्ष है ये भी साथ में है और सब हम लोग अंकित जी के विद्यालय में आज बच्चों को शुभकामनाएं देने के लिए बच्चे यशस्वी बने आगे बढ़े ऐसे हम लोगों ने इनको शुभकामनाएं दी। अपने प्यारे बच्चों को यही संदेश है कि जो 7 दिनों में इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो इनके भविष्य में इनको एक बेहतर इंसान बनने में सहायक होंगी और अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए किस प्रकार से उसमें उसका योगदान दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो सारे आप लोग देख भी पा रहे हैं कि आयुष्मान भारत है, स्वच्छ भारत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, नशा मुक्ति अभियान है। ये वो चीज़ें हैं कि जो अगर इसी एज में इन बच्चों के अंदर वो चीज़ें समाहित हो गई तो ये डेफिनेटली अपने समाज को अपने उन स्किल से क्या कर सकते हैं उसको डेवलप कर सकते हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। ऋषिकेश में रायवाड़ा से लेकर लाल तप्पड़ तक हर रोज फ्लाई ओवर और सौंग नदी के पुल से गुजरने वाले हजारों मुसाफिरों की जान खतरे में है। इस खतरे का फायदा उठाकर शातिर चोर पुल और फ्लाई ओवर के नीचे लगे लोहे के क्रॉस ब्रेसिंग ही चोरी कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि ये चोरी एक दो बार नहीं बल्कि कई बार हो चुकी है। इतना ही नहीं, स्थानीय पुलिस से शिकायत के बावजूद अभी तक न तो शिकायत दर्ज की गई है और न ही यूपी सेतु निर्माण निगम की शिकायती चिट्ठी के बाद पुलिस चोरों का पता लगा पाई है। वहीं अब चोरों की चोरी से फ्लाई ओवर के ऊपर चलने वाली गाड़ियों पर खतरा बना हुआ है और माना जा रहा है कि करोड़ों की लागत से बना पुल कभी भी गिर सकता है। 3-4 महीने पहले की बात थी, लाल चप्पड़ में चोरी हुआ था ब्रेसिंग गर्डर के बीच में, तो इसकी सूचना हम लोगों ने थाना रायवाले में दी थी। अभी उसके बाद जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिर दोबारा से इसी महीने में दोबारा चोरी तीन पानी का भी हो गया एक और ये सोंग रिवर का भी एक इस महीने चोरी हो गया। इससे कितनी दिक्कत आती है, इस पर कितना नुकसान कर सकता है? इस पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर ब्रेसिंग नहीं हुई है तो धीरे धीरे हमारा घर बेंड हो जाएगा, बेंड होने के बाद इस पर गिरने का पुल गिर सकता है। पुल गिर सकता है, कोई शक नहीं इसमें। ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक उसमें कोई दोबारा हमने रिपेयर या दोबारा उसको नहीं लगाते हैं, दोबारा बिल्डिंग नहीं करते हैं तो गिर जाएगा। कलियर थाना पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। कलियर पुलिस ने एक युवक को 4.39 ग्राम स्मैक और 7,320 रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ NDPS एक्टिव में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना क्षेत्र में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत सफलता मिली है। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष डॉ. केपी सिंह और अध्यापक और उपाध्यापक डॉक्टर प्रभावती ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। सचिव डॉक्टर हर्ष कुमार ने महिला सशक्तिकरण को समाज के लिए महत्वपूर्ण बताया। इसी के साथ ये भी कहा गया कि महिला उत्थान के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर IQAC द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि महाविद्यालय प्रबंध समिति की उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभावती जी एवं अध्यक्ष डॉक्टर KP सिंह जी ने माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहाँ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश चंद्र पालीवाल जी ने दिल्ली से आई हुई मुख्य वक्ता डॉक्टर सिमी मिश्रा जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति दी गई तथा महाविद्यालय की समस्त IQAC टीम द्वारा महाविद्यालय के महिला प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों को सम्मान।
रुड़की में यातायात पुलिस कार्यालय पर रोट्रैक्ट क्लब की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रुड़की शहर के कई व्यक्तियों ने रक्तदान किया। वहीं रोट्रैक्ट क्लब के संयोजक आकाश जैन ने जानकारी दी कि हमारी संस्था की तरफ से 7 वर्षों से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और आज 70 यूनिट रक्त लेने का उन्होंने टारगेट रखा है। अभी तक 35 यूनिट तक रक्त ले चुके हैं और उन्होंने बताया कि हर वर्ष मार्च के महीने में शिविर लगाया जाता है और जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है। विश्व महिला दिवस पर थल में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने रैली निकाली। बाजार में रैली निकालकर युवाओं को शराब, स्मैक और अन्य नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया। मौके पर छात्राओं ने नशे से होने वाले दुष्प्रभावों को स्लोगन के माध्यम से बताया, साथ ही युवाओं को सभी प्रकार के नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जन जागरूकता को फैलाने के लिए एक युद्ध नशे के विरुद्ध के अंतर्गत छात्राओं के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई थी। नरेंद्र नगर में 7 दिवसीय शिविर के समापन पर भिलंगना ब्लॉक का नौल बासर इंटर कॉलेज की एनएसएस इकाई की छात्राओं ने पोस्टर लेकर रैली निकाली। छात्राओं ने बैनर और स्लोगन लिखी तख्तियों को हाथों में लेकर बासर पट्टी के गडासा से अमरसर सहित कई जगह पर रैली निकाली और रैली के जरिए लोगों को जागरूक भी किया। छात्राओं का कहना है कि शादियों में शराब प्रचलन बढ़ता जा रहा है, इसलिए शराब पर सख्त प्रतिबंध लगाना चाहिए। शराब का प्रचार चल रहा है, जैसे शादी को मतलब वो हो रहा है ना, शादी में संस्कार देते हैं तो शराब का फिर क्यों प्रचार कर रहे हैं। में जो है तो शराब मतलब बहुत होता है, नशा नशा बहुत होता है, तो ये एक संस्कार नहीं है, ये बंद करना चाहिए शराब शराब। सर ये हमारा जो है ये एनएसएस का विशेष शिविर है जिसमें कि ये 7 दिवसीय शिविर होता है, तो इसमें विशेष रूप से एक तो ये बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होता है मुख्य रूप से, साथ साथ इसमें हम बच्चों को एक राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करते हैं और साथ ही जो है हम गाँव में जो कुछ जो कुप्रथाएँ हैं जैसे शादियों में समारोहों में शराब परोसना, साथ ही जैसे साफ़ सफाई के लिए जो एक हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मुख्य कार्यक्रम है स्वच्छ भारत अभियान, उसके लिए लोगों को जागरूक करना और साथ ही बच्चों को समाज सेवा के लिए विशेष रूप से एक उनमें राष्ट्रवाद की और देशभक्ति की भावनाओं को के लिए उनको प्रेरित करना मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के उद्देश्य यही है सर। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।